चलो अभी आपने क्या बोला कि सर रन टाइम इनपुट लेना है, तो रन टाइम इनपुट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी कितने इनपुट लेने हैं, क्या करना है, समझ लो कि ये हेडिंग रो है हमारा, ये हमारा हेडिंग रो है, ठीक है, हमारा जर्सी नंबर, ये सब चीज़ें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेनू ड्रिवन जैसा एक इनफाइनाइट लूप बनाते हैं, वाइल ट्रू, ठीक है। वाइल ट्रू करके क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट लेंगे कैसे, जैसे कि भाई मुझे एक जर्सी नंबर इनपुट करना है, तो जे नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर जर्सी नंबर, ठीक है, ये मैंने इनपुट कर दिया। ओके, ऐसे ही मुझे प्लेयर का नाम चाहिए, तो पी नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर प्लेयर नेम, तो ये रन टाइम इनपुट हो जाएगा। रेटिंग ओके इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर प्लेयर रेटिंग। ओके नाउ अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद में ये डेटा किस में आ गया, राइट, टेक्निकली हमारे वेरिएबल्स में आ गया, है ना। अब हम क्या करना है, ये डेटा को लिखना है, तो माय डेटा राइटर वापस डॉट राइट रो ब्रैकेट में आप एक लिस्ट बनाओ और यहाँ वेरिएबल पास कर दो, जे नंबर पी नेम रेटिंग, हो गया काम पूरा। इधर आप हटा दो ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चॉइस लेनी है, क्या आपको दोबारा से और एंट्री करना है, राइट। तो आप यहाँ एक वेरिएबल लो चॉइस, राइट इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट प्रेस 0 टू टर्मिनेट, बस बाकी कोई भी की से वो आप रादर इसको इनपुट ऐसे कर दो, ठीक है, स्ट्रिंग में डाल दो। ओके तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ चॉइस इक्वल टू 0 तो कर दो ब्रेक, बस खत्म हो गया। अब नहीं तो ये लूप में चलता रहेगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये रन टाइम आ जाएगा, ये हेडिंग आएगा। अब रन करते हैं और हमने फाइल को कैसे रखा है, अपेंड मोड में, तो हेडिंग तीसरी बार चला जाएगा। अब जर्सी नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया महंत सिद्धू, राइट, रेटिंग 1.5, राइट 1, देखो आया जर्सी नंबर 4, ठीक है, शिवांश पंड्या, ठीक है, रेटिंग 3.5, 0 टू टर्मिनेट, हो गया। देखो अब आप यहाँ आ जाओ, फिर से इस फाइल को देखो, आपके अंदर डेटा में इसमें ये फाइल ऐड हो गई, लेकिन अपेंड होने का मतलब ये है कि तीसरी बार नीचे आ गया। बेटा हमने 3-4 लिखा ना सीधा, अभी डेटा में क्या डाला हमने, अभी 3-4 ही डाला ना सीधा, वो तो पहले से ही है ना इधर, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपेंड हुआ लेकिन हेडिंग पहले से ही पड़ा है कि नहीं। तो दिस इज हाउ रन टाइम इनपुट ले लिया। ओके अब ये फाइल को रीड कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, हाउ टू रीड दिस फाइल एंड ये सीधा सीधा डेटा यहाँ पे ही दिखाया जाए रीडिंग मोड में, और रीडिंग मोड में कुछ इश्यूज आएंगे उसको हैंडल करेंगे। रन टाइम इनपुट भी क्लियर हुआ आपको, राइट, क्लियर ना।